मोदी बोली गारंटी है एमपी विकास में टॉप पर आएगा। जबलपुर में कहा जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति से कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में कहा कि न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा और न ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। हमने जनधन आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज गरीबों का पैसा गरीबों के हित में लग रहा। मोदी ने कहा 2014 के पहले हजारों करोड़ के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। गरीबों पर खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। हमने कांग्रेस सरकार की बनाई भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का अभियान चलाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का शिलान्यास किया। साथ ही दुर्गावती स्मारक पर डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से ही देश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 12,600 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। बता दें कि पीएम मोदी का 11 दिन में एमपी का ये तीसरा दौरा है, जबकि पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री मोदी 9वीं बार मध्य प्रदेश आए हैं। महापुरुषों, वीरों, वीरांगनाओं को भुलाया, दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति वीरों और वीरांगनाओं को भुला दिया गया। मोदी की गारंटी एमपी विकास में टॉप पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता वंचित को वरीयता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को उनका हक देने का काम भी भाजपा ने किया है। भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी है एमपी विकास में टॉप पर आएगा। विकास को रुकने नहीं देना है। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण समय है। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसकी विकास की गति में कोई भी गिरावट 20 से 25 साल में भी लौटेगी नहीं। विकास को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है, उत्साह बता रहा महाकौशल के मन में क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जबलपुर में जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश और ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशलता के मन में क्या है। प्रधानमंत्री के ऐसे कहने के बाद पब्लिक मोदी मोदी के नारे लगाने लगी। मोदी के भाषण की 8 बड़ी बातें। गरीबों का पैसा लूटने नहीं दूंगा। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसे कौन सा पंजा खींच लेता था। मोदी ने आकर सब साफ कर दिया। ना गरीबों का पैसे लूटने दूंगा और ना ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। हमें जनधन आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज गरीबों का पैसा गरीबों के हित में लग रहा। कांग्रेस की भ्रष्ट व्यवस्था को बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो आज 20-22 साल की उम्र वाले हैं, उन्हें पता ही नहीं होगा कि मोदी के आने से पहले क्या हाल था। तब हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। गरीब पर खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। हमने कांग्रेस सरकार की बनाई भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का अभियान चलाया। 11 करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। कांग्रेस ने आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया। जिस दल ने इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया, आदिवासियों के योगदान को पहचान नहीं दी। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी भाजपा को मिला। आजादी के बाद दशकों तक जो दल सरकार में बैठा रहा, उसने एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना की, देश की परवाह नहीं की। ये लोग अब भारत को गाली देने लगे। पूरी दुनिया भारत का गुणगान कर रही है, वहीं वो राजनीतिक दल जिनका सब लुट गया है, उन्हें सिवाय कुर्सी के कुछ दिखता नहीं है। अब ये इस हद तक गए हैं कि भाजपा को गाली देते देते भारत को गाली दे रहे हैं। ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने एक परिवार का महिला मंडन किया। शिवराज एक सरकार पहले सालों तक रही, उसने एक खानदान के लोगों का ही महिमा मंडन किया। रानी दुर्गावती की प्रतिमा भी भाजपा सरकार ने लगाई। कांग्रेस ने कभी पैसा एक्ट लागू नहीं किया। ये काम करने का सौभाग्य भी हमें मिला। आज पैसा एक्ट जमीन और जंगल का अधिकार दे रहा है। पैसा एक्ट के तहत गांव में छोटी मोटी विवाद समितियां भी निपटा देती है।
पैसा को जमीन पर उतारकर आदिवासी समाज का कल्याण किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्मारक में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। स्मारक एवं संग्रहालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की अष्ट धातु से बनी प्रतिमा लगाई जाएगी। यह प्रतिमा 52 फीट ऊंची होगी। संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी योद्धाओं की शौर्य गाथा को भी चित्रित किया जाएगा। यहां ओपन थिएटर भी बनाया जाएगा। साथ ही रानी दुर्गावती की जीवन गाथा को बताने के लिए लाइट एंड शो का मंचन करने का प्रावधान भी स्मारक एवं संग्रहालय में किया गया है। बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े होने के 3 घंटे बाद ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा, विकास विरोधी तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे और आज भी खेलते हैं, तो तब भी जात पात के नाम पर लोगों को बांटते थे और आज भी यही पाप कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।